हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। अभी मैं लैम्डा कट मेथड की ही बात करने वाला हूं, लेकिन यहां पे मैं फजी रिलेशन को क्रिस्प रिलेशन में कन्वर्ट करने वाला हूं। और मैं इस वीडियो को शुरू होने से पहले आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर आपको पता नहीं है फजी रिलेशन क्या है, अगर आपको पता नहीं कि भाई क्रिस्प रिलेशन क्या होता है, तो जरूर मेरे पिछले वीडियोज देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सॉफ्ट कंप्यूटिंग कोर्स में जाइए, वहां पे आपको मैंने बढ़िया तरीके से एग्जांपल के साथ कि भैया फजी रिलेशन और फजी सेट्स क्या होता है, क्रिस्प रिलेशन क्रिस्प सेट्स क्या होता है, मैंने सब एक्सप्लेन किया है वहां पे। पहले वो देख लीजिए फिर यहां पे आइए, ताकि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए। ओके, तो यहां पे मैं अभी क्या करने वाला हूं, एक इनपुट लूंगा फजी रिलेशन और आउटपुट दूंगा क्रिस्प रिलेशन, क्रिस्प रिलेशन, ठीक है। अब पहली बात तो मैं एक आपको बता दूं कि भैया फजी रिलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। रिमेंबर, फजी रिलेशंस में जो भी आपकी मेंबरशिप वैल्यूज होती है वो रेंज करती फ्रॉम 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 and 1। ये एक बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, बराबर, मेंबरशिप वैल्यूज इन द रिलेशन। अब पहली बात तो रिलेशन कब बनता है, रिलेशन तब बनता है जब दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाता है। और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाता है तो सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर जो है जिसमें हम लोग ये स्टोर कर सकते हैं, हमारे रिलेशन को स्टोर कर सकते हैं, वो है मैट्रिक्स। तो यहां पे आपको एक मैट्रिक्स दिख रहा है, काफी छोटा मैट्रिक्स लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल में कवर कर पाऊं। 2x2 का मैट्रिक्स लिया है। यहां पे एक रिलेशन है आर। अब ये फजी रिलेशन है, क्यों फजी रिलेशन है, क्योंकि ये जो फजी रिलेशन है ये बिल्ट किया है मैंने बाय टेकिंग अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू फजी सेट्स। दो फजी सेट का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो तब जाके आपको फजी रिलेशन मिलता है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि फजी रिलेशन की ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, दीज आर नथिंग बट द मेंबरशिप वैल्यूज। और ये मेंबरशिप वैल्यूज अगर आप देखोगे, दीज आर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 0 और 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 and 1, बराबर। तो ये तो हो गया फंडा फजी रिलेशन का। और क्रिस्प रिलेशन का क्या होता है, क्रिस्प रिलेशन में एक कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है कि क्रिस्प रिलेशंस जो होते हैं उनमें हम लोग हमेशा एक्सट्रीम वैल्यूज की बात करते हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज एक्सट्रीम मेंबरशिप वैल्यूज की हम लोग बात करते हैं। यानी कि एक तो 0 या फिर 1, मतलब एक एलिमेंट एक तो टोटली बिलोंग करेगा किसी सेट को या बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेगा। दैट इज व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू इन अ क्रिस्प रिलेशन, बराबर। अब ये तो हो गया फंडामेंटल सी चीजें, ये प्रीरिक्विजिट चीजें हैं आपको ये समझने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था लैम्डा कट मेथड में पिछली बार कि आप एक लैम्डा कंसिडर करते हो और उस लैम्डा की वैल्यू के बेसिस पे आप हर एलिमेंट का मेंबरशिप वैल्यू चेक करते जाते हो। अगर वो वैल्यू मेंबरशिप वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा है तब जाके आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को इंक्लूड करते हो इनटू द क्रिस्प रिलेशन, बराबर। तो ये बड़ा सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे मैंने कुछ लैम्डास की वैल्यू ली हुई है एंड इन पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए मैंने यहाँ पे रिलेशंस जनरेट किए हुए हैं। अब मेरा जो इनिशियल रिलेशन है ये एक फजी रिलेशन है। ये क्या है, एक फजी रिलेशन जहां पे मेरी ये रिस्पेक्टिव मेंबरशिप वैल्यूज हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, पहले मैं R1 मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 कंसिडर करता हूं, R1 इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया मेरा, दिस इज जस्ट द सिंपल एज आर लैम्डा, इस तरीके से लिखा। अभी ये जो R है ये फजी रिलेशन है और R लैम्डा जो है ये क्रिस्प रिलेशन है। R जो है वो फजी रिलेशन है और R लैम्डा जो है वो क्रिस्प रिलेशन है, ठीक है। अब यहां पे लैम्डा की वैल्यू क्या है, पहली 1 है तो मैंने R1 लिया। अब R1 लिया इसका मतलब क्या कि मैं उस 1 के साथ हर मेंबरशिप वैल्यू को कंपेयर करके देखूंगा और अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू है तब जाके यहां पे उसका 1 लगाऊंगा, नहीं तो 0 लगाऊंगा, ठीक है। अब यहां पे 1 है, बराबर। अब 1 और 0.2 में अगर कंपैरिजन किया जाए तो 0.2 तो भैया छोटा है, तो छोटा है तो 0 है, जहां जहां छोटा है वहां 0 है। अब यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, तो जो 1 है वो ऑटोमेटिकली यहां पे 1 आ ही जाएगा, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है इट इज एक्चुअली टोटली बिलोंगिंग टू दिस रिलेशन। तो चाहे उसको आप क्रिस में कन्वर्ट कर दो वो तो 1 ही रहेगा ना, बिकॉज वो पहले से ही टोटली बिलोंग करता है किसी एक पर्टिकुलर सेट को। तो चाहे आप अगर उसको किसी और रिलेशन में कन्वर्ट कर दो जैसे कि फजी से क्रिस में, तो भी ये पर्टिकुलर एलिमेंट टोटली ही बिलोंग करेगा उस पर्टिकुलर रिलेशन को, बराबर। मतलब उसकी जो मेंबरशिप वैल्यू है वो 1 ही होगी। अगर दूसरी तरफ से जाया जाए फॉर्मूले की तरीके से, तो अगर आप देखोगे 1 and 1 बोथ आर इक्वल, और जहां पे इक्वल है वहां पे आप 1 लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल, कंडीशन इज जस्ट नॉट ग्रेटर, इट इज ग्रेटर देन इक्वल, बराबर। तो यहां पे इक्वल है तो यहां 1 लिख दिया। तो आपका ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है ये क्रिस्प रिलेशन है, किस बेसिस पे, जब लैम्डा की वैल्यू 1 लिया है। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनने और ऑब्जर्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमेशा याद रखना कि जरूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर फजी रिलेशन का क्रिस्प रिलेशन यही हो,
क्या कहा मैंने, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज जो आपका यहां पे क्रिस्प रिलेशन है, सॉरी फजी रिलेशन है, उसका पर्टिकुलरली हर बार जो क्रिस्प रिलेशन है वो यही होगा, बराबर। ये जरूरी नहीं, इट इज नॉट मैंडेटरी, बराबर। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरा फजी रिलेशन दिया है तो हर बार उसका क्रिस्प रिलेशन 0100, ऐसा ही नहीं होगा, वो चेंज हो सकता है, वो बदल सकता है। तो अभी जानने की बात ये है कि वो चेंज क्यों होगा, वो बदलेगा क्यों, बिकॉज हमारा जो बेसिस है लैम्डा कट मेथड का वो बेस्ड है ऑन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अगर आपने लैम्डा की वैल्यू चेंज की तो आपका क्रिस्प रिलेशन और क्रिस्प सेट दोनों चेंज हो जाएंगे। तो इट बेसिकली बिलोंग्स ऑन द लैम्डा वैल्यू, वो लैम्डा के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया लैम्डा की वैल्यू क्या है। जैसे अभी लैम्डा की वैल्यू 1 थी तो R1 ये आपका क्रिस्प रिलेशन आया। चलो अभी मैं लैम्डा की वैल्यू 0.1 लेता हूं तो मेरा क्रिस्प रिलेशन चेंज हो रहा है। जैसे कि 0.5 और 0.2 है तो ऑब्वियसली इट इज लेस देन, तो 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, सिंपल सी बात है। तो ये मेरा आ गया एक नया क्रिस्प रिलेशन जो किससे डिराइव किया गया है, द सेम फजी रिलेशन, बराबर। मतलब एक ही फजी रिलेशन से आप दो क्रिस्प रिलेशन निकाल पा रहे हो बेस्ड ऑन द टू डिफरेंट लैम्डा वैल्यूज। चलो मैंने बोला दो पे नहीं रुकना, तीन पे चलते हैं। तो तीन पे मैंने सबसे छोटा नहीं, सेकंड स्मॉलेस्ट 0.1 लिया। अब 0.1 लिया यहां पे R.1, तो यहां पे क्या हो गया, 0.2 इज ग्रेटर देन 0.1 तो 1 आ गया, 0.3 भी ग्रेटर है तो 1 आ गया, 1 तो ग्रेटर है ही तो 1 आ गया, 0.6 भी ग्रेटर है तो 1 आ गया। तो ये मेरी एक और नई बन गई, दिस इज माय न्यू, व्हाट आई कैन से, दिस इज माय न्यू क्रिस्प रिलेशन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस बेस्ड ऑन द लैम्डा वैल्यू 0.1। एक और मैं बोलता हूं, चलो वापस निकालते हैं R0, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, बराबर, जो कि लैम्डा की हो सकती है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, दैट इज R0 ले लिया। अब इस R0 में मैंने वही किया चीज, अभी R0 में हर बार आप जिससे भी कंपेयर करोगे वहां पे आपको 1111 मिलेगा। दैट मींस ये भी आपका क्या हो गया, वन ऑफ द क्रिस्प रिलेशन है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी फजी रिलेशन दिया है, लैम्डा की वैल्यू दी है, तो आप इस तरीके से सिंपली उसका क्रिस्प रिलेशन में कन्वर्जन या क्रिस्प रिलेशन को ऑब्टेन कर सकते हो बाय यूजिंग दीज फॉलोइंग स्टेप्स। आई होप दोस्तों ये बड़े ही आसान लफ्जों में और आसान करके मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि लैम्डा कट मेथड क्या होता है, फजी सेट को क्रिस्प सेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फजी रिलेशन को क्रिस्प रिलेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आगे चल के और मेथड्स हैं डीफजिलाइजेशन की, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डीफजिफिकेशन की जो मेथड्स है वो अभी और आगे मैं आपको वीडियोज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन अगर फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और उससे भी सबसे बड़ा काम, जो इंपॉर्टेंट काम जो सिर्फ आप कर सकते हो, वो ये है कि मेरी मदद आपके दोस्तों तक, हर इंजीनियर स्टूडेंट तक सिर्फ आप ही पहुंचा सकते हो, क्योंकि शेयर का बटन आप क्लिक कर सकते हो और सबके साथ शेयर कर सकते हो। तो कीप शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।